subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamu alaikum. जी कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, अब हम जी लास्ट चैप्टर है हमारा सेल्स टैक्स का. ये सेल्स टैक्स आज इंशाल्लाह हमारा ख़त्म हो जाएगा. उसके बाद जो हमारे बाकी चैप्टर्स रहते हैं रिटर्न असेसमेंट वाले और फॉरेन सोर्स इनकम वाले, वो इंशाल्लाह करेंगे. तो जी आज रिटर्न्स और रिकॉर्ड्स सेल्स टैक्स का ये करते हैं. तो जी स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रिटर्न के बारे में थोड़ा सा इन्होंने बताया कि रिटर्न होती क्या चीज़ है. जी सेल्स टैक्स रिटर्न इज़ द टैक्स पेयर का एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो जाता है जिसके अंदर वो हर चीज़ डिक्लेयर करता है. कौन कौन सी चीज़ डिक्लेयर करता है कि उसमें जो अपनी उसने परचेजेस की होती हैं, परचेजेस के ऊपर जितना टैक्स कटा होता है जिसे इनपुट टैक्स हम बोलते हैं, और जो सेल की होती है और सेल के ऊपर जितना टैक्स कटा होता है जिसे हम आउटपुट टैक्स बोलते हैं, वो सारे का सारा इसके अंदर डिक्लेयर कर रहा होता है. किसके अंदर? जी रिटर्न के अंदर. और जितना टैक्स बन रहा होता है वो भी उधर आप देख सकते हैं. इसके अलावा डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, और अगर कोई इसने सेल्स एक विथहेल्ड किया है किसी का, वो भी इसी के अंदर रिटर्न के अंदर आ रहा होता है. कि ये एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट होता है, सही है. फिर उसके बाद ये बताया हुआ है कि ये डिफरेंट मंथ्स में कुछ टाइप्स की होती है, डिफरेंट कैटेगरीज. हर जो हमारा टैक्स पेयर है ना, उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक नॉर्मल बिज़नेस जो है, जो मर्चेंटाइज का बिज़नेस जो आम कर रहा है, ठीक है, थोड़ी सी उसकी बड़ी दुकान है, उसकी कैटेगरी कुछ और होगी. और जो शुगर मिल्स हैं उनकी कैटेगरी कुछ और है, शुगर मिल की कैटेगरी और होगी. फिर जो गैस वगैरह का जो SNGPL वगैरह जिस तरह हो गई है, इनकी कैटेगरीज ना उसको डिफरेंट कैटेगरीज में जो है डिवाइड कर दिया हुआ है टैक्स पेयर को. फिर उन्होंने कहा है कि कुछ मंथली रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, कुछ क्वार्टरली, कुछ एनुअली, और कुछ सारे के सारे मंथली अलग करते हैं, क्वार्टरली भी करते हैं और एनुअली भी कर रहे होते हैं. तो इस तरह ना इनको डिवाइड कर दिया हुआ है कंपनीज़ को भी, टैक्स पेयर्स को भी, सही है. तो जो मंथली रिटर्न होती है, मंथली रिटर्न जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने जी 15th डे ऑफ द मंथ नेक्स्ट फॉलोइंग द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड. फॉर एग्जांपल, अगर जून का पीरियड है ना, तो आपने जुलाई की 15 तक रिटर्न जो है वो सबमिट करनी होती है. द रिटर्न शैल बी फाइल्ड इन द बैंक स्टेट. बैंक के अंदर भी आप रिटर्न जमा करवा सकते होते हैं. अब ये मतलब यहाँ पे इतनी सी बात लिखी हुई है, वैसे लॉ में एक पूरा इसका सेक्शन है या रूल्स है, मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ है इसको, उसमें प्रॉपर प्रोसीजर बताया हुआ है कि किस तरह आपने जाके बैंक में रिटर्न जमा करवानी है. वहाँ पे प्रॉपर सारा कुछ लिखा हो. बैंक क्या करेगा, उसको लेगा, उसकी दो कॉपियाँ खुद रख लेगा, एक के ऊपर रिसीविंग दे देगा और दो में से एक ओरिजिनल कॉपी जो होगी वो FBR में जमा करवा देगा और एक अपने रिकॉर्ड के लिए रख लेगा. ये सारा प्रोसीजर उधर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यही लाइन लिखी है, तो मेरा ख्याल है इतना बहुत है आपके समझने के लिए. बाकी जी ये जो है होती है ना बैंक के थ्रू, मैंने अभी प्रैक्टिकली जितना भी 2-2.5 साल मैंने टैक्स के अंदर प्रैक्टिकली काम किया हुआ है ना, तो मैंने आज तक बैंक में नहीं जमा करवाई, और ना ही मुझे आइडिया है कि प्रैक्टिकली मैं आपको बता सकूँ कि प्रैक्टिकली ऐसे करवाते होते हैं. ये मैंने बुक से पढ़ा है, बुक से पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ. तो बैंक में कोई भी नहीं जमा करवाता, एटलीस्ट हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनमें से कोई भी नहीं जमा करवा रहा था. सही है. सारे के सारे उधर जी बोर्ड में अपना जो ऑनलाइन इनका एक पोर्टल है, e.FBR हम बोलते हैं इसे, उसके थ्रू जी रिटर्न अपनी जमा करवा रहे होते हैं. सही है. अच्छा, अब रिटर्न्स की ये डेट्स पे हम पहले नज़र दौड़ाते हैं कि डेट्स किस तरह हैं. ये 15 तो उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन 15 तारीख तक आपने पैसे पेमेंट करनी होती है. ये देखें यहाँ पर लिखा होता है समरी ऑफ रिटर्न्स एंड देयर फाइलिंग डेट्स. रजिस्टर्ड पर्सन है, आपने मंथली रिटर्न फाइल करनी है 15 तक, ठीक है, 15th ऑफ नेक्स्ट फ्रॉम द मंथ. अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग करनी है तो आपने 18 तक जमा करवानी है रिटर्न, और 15 तक अपने पैसे जमा करवाने हैं. सही है. रिटर्न के जो पैसे हैं आपने 15 तक जमा करवा देने हैं, और रिटर्न कब सबमिट करनी है? 18 को. फिर रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड स्पेशल रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जो उसको कमिश्नर कहे कि भाई आपने रजिस्टर्ड तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपने ये स्पेशल रिटर्न फाइल करनी है, उसमें ये चीज़ें आपने डिक्लेयर करनी है. सही है. फिर पर्सन अप्लाइड फॉर डी रजिस्ट्रेशन. ऐसा कोई बंदा जिसने डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया हो कि भाई मैं अपना बिजनेस ख़त्म कर रहा हूँ, आज के बाद मुझे रजिस्टर मत रखना एज अ सेल्स टैक्स, ठीक है,
रजिस्टर्ड पर्सन, तो आप क्या करते हैं, एक फाइनल रिटर्न करते हैं, उसकी जो डेट होती है वो कमिश्नर जो है वो बता देता है कि इस डेट तक जमा करवानी है। फिर कंपनी है, एवरी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एनुअल रिटर्न उन्होंने फाइल करनी होती है, मंथली रिटर्न तो फाइल करनी है, फिर उसके बाद एनुअल रिटर्न भी फाइल करते हैं दी 30th ऑफ द सितंबर फॉलोइंग द ईयर एंड। ठीक है, ये डेट्स वगैरह थी, मैंने कहा पहले डेट्स आपको पढ़ा दूँ क्या कैसे जमा करते हैं। उसके बाद क्वार्टरली रिटर्न, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा इसको, क्वार्टरली रिटर्न आपने सबमिट करवानी है। फिर एनुअल रिटर्न जो होती है वो फाइनेंशियल एंड के वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। सही, अच्छा, ये चैप्टर बस इसी तरह के, इसमें कोई ऐसी कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है जो कि मैं आपको जी लिख के समझाने बैठ जाऊँ, तो ये आपने बस इसको याद कर लेना है, क्रैम कर लेना, ठीक हो गया ना। रिटर्न ऑफ द पर्सन ऑपरेटिंग डिफरेंट सेक्टर्स, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, कंपनी का काम क्या है जी, एक उनका यूनिट बना हुआ है जी शुगर मिल का, एक शुगर मिल का यूनिट बना हुआ है जी, शुगर वहाँ से बना रहे हैं, दूसरा यूनिट हो रहा है कि वहाँ से जो शुगर से जो चीज़ें निकलती है उसका कुछ गैस वगैरह बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, और गैस वगैरह बना रहे हैं। फिर उसके बाद कोई एक और यूनिट लगा हुआ है, उसमें कोई डिफरेंट काम कर लेते हैं, चलें वो गाड़ियों की असेंबलिंग कर रहे होते हैं। अब ये तीन डिफरेंट यूनिट्स आ गए, तो लॉ ने इन तीनों के लिए डिफरेंट डेट्स बताई होती हैं कि भाई आपने जो रिटर्न है जमा करवानी है जी, जो शुगर मिल है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंपनी सिर्फ शुगर मिल का काम कर रही होती है, तो उसने शुगर मिल का जो है ना वो 15 तक करवानी है, अगर कोई कंपनी जो है गैस का काम कर रही है उसने 21 तक अपनी रिटर्न जमा करवानी है, कोई बिजली का काम कर रही है उसने भी 22 तक या 23 तक या 24 तक अपनी रिटर्न जमा करवानी है, ये डिफरेंट आ गई। लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि अगर कोई कंपनी डिफरेंट जो है ना सेक्टर्स में ऑपरेट कर रही हो, जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दी है कि वो कर रही थी जी शुगर के अंदर, गैस के अंदर और गाड़ियों के असेंबली कर रही है, और चौथा काम हम क्या कर लेते हैं वो बिजली बनाने की, जिस तरह वो क्या उसे बोलते हैं NTDC वगैरह वाले हो गए, तो ये तीन चार काम कर रहे थे। लॉ कह रहा है कि आपने इन सब की एक ही रिटर्न फाइल करनी है, और उसकी डेट क्या होगी, शैल फाइल अ सिंगल रिटर्न, ठीक है, बाय ऑल द सेक्टर बाय द ड्यू डेट एप्लीकेबल टू द मेजर एक्टिविटी। अगर मेजर एक्टिविटी आपका क्या था, बिजली का प्रोडक्शन जो आपकी मेजर एक्टिविटी है, तो आपने देखना है कि बिजली की कंपनी जो बिजली प्रोडक्शन कर रही है उसकी आखिरी डेट क्या होती है सबमिट करने की रिटर्न, आपने उसके मुताबिक अपनी सारी एक्टिविटीज़ की एक सिंगल रिटर्न फाइल कर देनी है। सही है, फिर इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग होती है, आजकल बस यही चल रहा होता है, हम ई फाइलिंग ही कर रहे होते हैं, तो ई फाइलिंग का जो इन्होंने बताया हुआ कि जी ई फाइलिंग जो है, ये पहला पैरा आपने पढ़ लेना है, इसमें क्या कह रहा है कि जी ई फाइलिंग आप कर सकते हो वो कि वैलिड होगी। फिर यहाँ पे बता रहा है कि रजिस्टर्ड पर्सन शैल एंटर द डाटा ऑफ सप्लाइज इन एनेगियर सीज एंड डेबिट एंड क्रेडिट नोट इन एनेगियर वन एंड सबमिट दिस सेट डाटा बाय 10th ऑफ जुलाई जी एंड ऑफ द, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है उसने अपनी रिटर्न करनी है तो उसको ना एक दो पार्ट्स के अंदर कर रहे होते हैं ना, एक दो स्टेजेस उसकी बना ली है, वो कैसे कि 10 तारीख तक उसने एक अनेगियर बना होता है, रिटर्न आप देखेंगे रिटर्न्स के अंदर ना अनेगियर्स आ रहे होते हैं, एक पूरा पेज होगा, प्लेन पेज के ऊपर आ रही होगी जी सप्लाईज जो आपने फॉर एग्जांपल कितनी की है जी 100 मिलियन की सप्लाईज की हैं, वो अमाउंट आ रही होगी, और साथ लिखा होगा एनेगियर ए, एनेगियर ए पे क्लिक करेंगे या एनेगियर बी या एनेगियर सी, इसी तरह लिखे होंगे उसके ऊपर आप, अब ये जो सप्लाईज हैं उसका है एनेगियर सी, उस एनेगियर सी पे क्लिक करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि भाई आपने इतनी सप्लाईज की हैं, आपने इतना सेल्स टैक्स चार्ज किया है, और मतलब उसमें नाम आ जाएगा अपना जो है होगा परचेजर, उसका नाम आ जाएगा, परचेजर्स का डाटा सारे का सारा आप एनेगियर सी के अंदर पुट कर देंगे, और फिर वहाँ पे एनेगियर वन भी होगा, एनेगियर वन के अंदर क्या चीज़ें आएंगी, डेबिट या क्रेडिट नोट, डेबिट क्रेडिट नोट हमने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था वो आ जाएगा। तो इस तरह ना एक एनेगियर सी जो होगा जिसमें सेल्स की डिटेल हम डालेंगे, अगर मैं एक एज अ रजिस्टर्ड पर्सन उसको कंपनी को सेल कर रहा हूँ ना, किसी को भी सेल कर रहा हूँ, तो मैं सेल की डिटेल 10 फॉर एग्जांपल अगला जो मंथ जून है ना, जुलाई की 10 तक मैं सारी की सारी अपनी सेल की डिटेल डाल दूंगा। अच्छा, मैं सारी सेल्स की डिटेल डालूंगा तो उधर जो मेरा परचेजर होगा ना
वो भी अपने पोर्टल पे जाएगा, पोर्टल बोलते हैं मतलब वेबसाइट को, ठीक है, वेबसाइट पे जाएगा, वेबसाइट पे जाके एक लोड का बटन होगा, वो लोड क्लिक करेगा तो जितनी उसने परचेजेस की होगी ना अपने सप्लायर से, वो सारी की सारी इधर एनेक्सियर उसका ए होगा, उसके उत्तर ऊपर जो है ना अपलोड हो जाएगी। उसको एंटर करने की, जो बायर है उसको एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। ये पहले इस तरह होता था कि हम बायर जो है ना वो खुद इनपुट अपना क्लेम करता था, खुद इनपुट टाइप करता था, तो कभी कभार वो दो नंबर ही लगा के इनपुट ज़्यादा क्लेम कर लेता था। तो अब लॉ ने क्या किया, इसको थोड़ा सा चेंज किया। चेंज कैसे, कि आप अपना इनपुट क्लेम नहीं कर सकते मैनुअली, जो आपका सप्लायर है वो सप्लायर जाके उसके ऊपर डाटा एंटर करेगा, 10 तक तो आप 10 या 11 को जाके वो सारे का सारा अपना डाटा लोड करेंगे। जब लोड करेंगे तो आपका जो एक्चुअल परचेजेस होगी वो इनपुट आ गए। फॉर एग्जांपल एक सप्लायर है ए बी सी, ये तीन सप्लायर है और आपने क्या किया, इन तीनों से परचेजेस की। जब आप इधर जाके लोड का बटन दबाएंगे ना तो आपके परचेजेस डाटा में एनेक्सियर ए के अंदर आ जाएगा कि आपने सप्लायर ए से इतने की परचेज की, आपका इतना टैक्स है, इनपुट टैक्स है, बी से इतने की परचेज की, इतना इनपुट टैक्स, सी से, फिर इसी तरह ऑनवर्ड सारे चलते जाएंगे। और कोई डेबिट क्रेडिट की जो एंट्री होगी वो फिर इधर एनेक्सियर वन किसके अंदर होगा, ये एनेक्सियर वन होगा एनेक्सियर ए के अंदर, फिर जाएंगे ना साथ ही एक एनेक्सियर वन भी होगा, एनेक्सियर वन आपने वो देख लेना, उसका डाटा भी आपके पास आ जाएगा, सही है। अच्छा, प्रोवाइडेड दैट द डाटा रिलेटिंग टू परचेज इज मेड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन और फ्रॉम सच अ रजिस्टर्ड पर्सन एज अलाउड बाय द बोर्ड इन दिस रिस्पेक्ट शैल बी मैनुअली एंटर्ड, सही है। आप मैनुअली एंटर किसका कर सकते हो, अनरजिस्टर्ड का और ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन का जिसको बोर्ड ने अलाउ किया होता, फिर आप उनका डाटा अपना जो है एनेक्सियर ए के अंदर मैनुअली पंच कर सकते हैं, ठीक है, समझ आ गई। जो एनेक्सियर ए होगा उसके अंदर आपकी परचेजेस की इंफॉर्मेशन आएगी, वो कहाँ से आएगी, एनेक्सियर सी से आएगी। एनेक्सियर सी में परचेजेस की इंफॉर्मेशन हमारा सेल की इंफॉर्मेशन हमारा सप्लायर डालेगा, वहाँ से इधर आ जाएगी। इसी तरह हम जब रिटर्न करेंगे हम भी अपनी सप्लायर्स के अंदर 10 तारीख तक सारे का सारा डाटा डालेंगे, ठीक है। अब इसमें नॉर्मली मसले मसाइल यही आ रहे होते हैं कि भाई अगर सप्लायर जो है उसने 10 तारीख तक अपना डाटा एंटर नहीं किया तो फिर आप क्या करेंगे, यार आप तरले ही कर सकते हो और तो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे भी बल्कि आपको मैं दिखा दूँ कि लिखा हुआ है, ये देखें, प्रोसीड टू डिक्लेयर द सेट, आप उसे कहेंगे कि भाई 10 तारीख हो गई है, अब मेहरबानी फरमाएं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इन द मंथ मंथली सेल्स एंड द फेडरल एक्साइज रिटर्न रजिस्टर्ड पर्सन सेट पर्सन सेट रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स शैल बी एडजस्टेड और रिकवर्ड द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी फोर एडवाइज्ड बाय द ऑटोमेटेड सिस्टम ऑफ द बोर्ड टू कॉन्टैक्ट द सेट बायर्स एंड परसुएड हिम डिक्लेयर द सेट विद इन द अमाउंट ऑफ द सेल्स टैक्स। ये कह रहे हैं कि भाई जब इसने डाटा यहाँ पे अपलोड कर दिया ना तो एक ऑटोमेटेड सिस्टम है उसकी, उससे आपको वो मिलती होती है यार इंटीमेशन या मेल शेल आ जाती है कि आपका जो ना सप्लायर उसने डाटा जो है ट्रांसफ़र कर दिया। अगर नहीं उसने किया तो आप उसे पर्सनली जाकर रिक्वेस्ट करेंगे, परसुएड करेंगे कि भाई आप जो है ना वो काइंडली अपना डाटा अपलोड कर दें ताकि हमें वो मिल जाए, क्या उसे बोलते हैं, इनपुट मिल जाए। अगर नहीं मिलता तो क्या होता है जी, आपको एक प्रोविजनल तौर पे आप क्या करते हो, आपको एडजस्टमेंट मिल जाती है। अगर वो अगले मंथ की 10 तक भी नहीं करता तो फिर वो आपको वही एडजस्टमेंट, अगर इनपुट है, फॉर एग्जांपल आपका सप्लायर है उसने 10 तारीख तक क्या किया जी, डाटा जो है ना अपलोड नहीं किया, आपको इनपुट टैक्स नहीं मिला, तो क्या होगा, आपको फिर लॉ कहता है कि प्रोविजनल जो है ना एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स आपको मिल जाएगी। लेकिन वो अगले जो है ना अगला मंथ आ गया और अगले मंथ की 10 तारीख तक भी उसने क्या किया, नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख तक भी उसने डाटा अपलोड ही नहीं किया आपके सप्लायर ने, फिर क्या होगा, वो आपको यार इनएडमिसिबल हो जाएगा, फिर आप तरले करते फिरेंगे, भाई कर दे तुम्हारी मेहरबानी, सही है। इसी तरह ये सप्लायर की बात हो रही है, फिर यहाँ पे बायर की बात हो रही है, ठीक है, इसको आपने पढ़ लेना है। फिर यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट नोट की बातें स्टार्ट होगी, एनी बायर ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ नॉट एक्सेप्टेड अ क्रेडिट नोट इशूड बाय हिम द सप्लायर शैल अलाउड द प्रोविजनल
रिडक्शन सही है, ये सप्लाई, ये डेबिट और क्रेडिट नोट की बात होगी। फिर आपने इन केस द रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई हैज़ बीन डिक्लेयर इन द सप्लाईज मेड टू हिम इन दिस सेम मंथ एंड द फेडरल रिटर्न द इनपुट क्रेडिट रिलेटिंग टू द सेड सप्लाई विल बी अलाउड टू द पर्सन, सही है। ये आपने पढ़ लेना यार, इसमें कोई इतनी टेक्निकल बात नहीं है, और नहीं समझ आ रही तो पूछ लीजिएगा, ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक हो गया, आगे थोड़ा सा चलते हैं जी। ये विदहोल्डिंग की बातें हो रही है कि विदहोल्डिंग का एक कॉलम बना होगा 7C उसके अंदर, अगर आपने किसी का सेल्स टैक्स विदहेल्ड किया है तो वो आपने वहाँ पे डाल देना है, सही है। फिर उसके बाद जी ये पेमेंट की बात है, अ रजिस्टर्ड पर्सन फाइलिंग द रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली शैल मेक द पेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द सेल्स टैक्स ड्यू इफ एनी इन द डेजिग्नेटेड ब्रांच ऑफ नेशनल बैंक, ठीक है। नेशनल बैंक के अंदर वो ना हम पैसे जमा करवाते होते हैं, मेरा ख्याल है 1 बजे तक ही होता है इसका टाइम, सुबह 9 से 1 बजे तक टाइम होता है, इसके बाद फारिग है, वो भी नहीं लेते। अब यहाँ पे अगर रिटर्न आपने फाइल करनी है तो 15 तक भैया आप पेमेंट कर दो, 18 तक आपने ना वो उसी मंथ की रिटर्न फाइल करनी है। पर्टिकुलर जो सेल्स टैक्स रिटर्न, सेल्स टैक्स रिटर्न में होता क्या क्या है यार, सबसे ऊपर STRN नंबर लिखा होता है, कंपनी का नाम, उस रजिस्टर्ड पर्सन का नाम, एड्रेस वगैरह लिखा होता है, फिर टैक्स क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर, हाँ ये भी आ रहा होता है। अगर आपका कोई टैक्स क्रेडिट बना हुआ है, आपका कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो को कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, वो भी रिटर्न के अंदर आ रहा होता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई भी आ रही है, आउटपुट टैक्स ड्यू ऑन दी सप्लाइज, लोकल सप्लाइज, एग्जाम सप्लाई, जीरो रेटेड, वैल्यू ऑफ परचेज, ये आपने देख लेना है कि ये सारी चीज़ें उसके ऊपर जो है ना रिटर्न के ऊपर मैंशन होती है, एरियर पेएबल, अमाउंट पेएबल या रिफंडेबल, ठीक हो गया ना। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं, द सेल द रजिस्टर्ड पर्सन शैल डिपॉजिट्स, अच्छा बैंक अकाउंट में जमा करवा देगा, रजिस्टर्ड पर्सन मे फाइल अ रिवाइज रिटर्न इन करेक्ट एंड द एनी ओमिशन और रॉन्ग डिक्लेरेशन मेड इन इन रिटर्न फाइल अंडर 26 शैल बी अप्रूवल विदिन 120 डेज, हाँ जी रिटर्न आपने फाइल करनी है तो क्या करो जी, आप उसको ठीक कर सकते हैं और उसकी अप्रूवल ले लेनी है, हैविंग ज्यूरिसडिक्शन विद इन 120 डेज के अंदर अंदर अगर आपने रिटर्न फाइल करनी है तो आप क्या करो उसकी अप्रूवल लोगे, अप्रूवल लेकर रिटर्न फाइल कर देंगे, ये पढ़ लीजिएगा, ये इसमें कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है। इफ़ द रजिस्टर्ड पर्सन, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है उसको पता चला कि हाँ यार मैंने कोई गलती कर दी है, मैंने कोई बाउंगी मार दी है या मैंने कोई गलत काम कर दिया है, तो मैं रिटर्न रिवाइज करना चाह रहा हूँ, रिटर्न रिवाइज करेगा जी, कमिश्नर से रिक्वेस्ट करेगा, वो करेगा हाँ जी ओके कर लो रिवाइज। आप क्या करो जी रिटर्न रिवाइज करके अगर आपका टैक्स ज़्यादा बन रहा था, ज़्यादा टैक्स पे कर दोगे चुप करके, कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगेगी, हाँ डिफ़ॉल्ट सरचार्ज आपको पड़ जाता होता है लेकिन आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अच्छा अगर तो क्या हुआ कि कमिश्नर को पता चल गया कि यार इसने मारी हुई है बोंगी, उसने एक नोटिस इशू कर दिया, नोटिस इशू किया, आपने कहा ले भाई मैं तो जाऊंगा फांस क्यों के पास, क्योंकि मेरे पास तो कोई एविडेंस है नहीं, मैंने की हुई हैं गलतियाँ, तो मैं इस तरह करता हूँ चुप करके ना रिटर्न ठीक जमा करवा देता हूँ और थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, थोड़ी सी पेनल्टी भी पे कर देता हूँ। पेनल्टी कितनी पे होगी जी, 25% ऑफ पेनल्टी पेएबल अंडर सेक्शन 33 शैल विद द रिवाइज रिटर्न, 25% पेनल्टी पे कर दो, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज पे कर दो और बाकी जो आपकी अमाउंट वगैरह है, सही है ना। अगर आपको शो काज नोटिस हो गया है, आपको पहला नोटिस आया आपने ये वाली हरकत नहीं की, रिटर्न नहीं जमा करवाई, ये जो तीसरा पैरा वाला, ये आपको लगा है कि नहीं मैं जी गिड़ी डाल लूँगा, मैं जी 2 नंबर ही करके ना यहाँ से भी बच जाऊँगा, लेकिन आपको ना आपने देखा कि भाई काम तो बड़ा सख्त हो गया है, शो काज नोटिस भी उसने इशू कर दिया है, सही है। जब शो काज नोटिस भी हमें इशू हो गया तो हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज पूरा जमा कराना पड़ेगा और जितनी भी पेनल्टी है ना, पेनल्टी भाई फुल की फुल आपको जमा करवानी पड़ेगी, रिटर्न जमा करवाओ, सही हो गया ना। लेकिन इन सारे कामों से पहले वो एक अपॉर्चुनिटी देते हैं आपको जी, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देते हैं, जिस तरह शो कॉज, मतलब मुझे कॉज शो करो कि मैं आपकी रिटर्न या पेनल्टी बढ़ा रहा हूँ, वो एक नोटिस भी पे करते तो आपने उसका रिप्लाई करना होता है, ये प्रोसीजर काफ़ी देर तक चलता रहता है, काफ़ी लंबा होता है।
स्पेशल रिटर्न भाई आप स्पेशल रिटर्न फाइल करनी होती है इन एडिशन टू सेक्शन 26 रजिस्टर्ड पर्सन मे बी रिक्वायर्ड टू फाइल दी स्पेशल रिटर्न कंटेनिंग दी कौन रिक्वायर कर सकता है बोर्ड या कमिश्नर उससे रिक्वायर कर सकता है कि भाई आपने ये चीज़ें डालनी है और स्पेशल रिटर्न एक सबमिट कर देनी है दिस स्पेशल रिटर्न विल बी फॉर सच अ पीरियड एंड टाइम एज मे बी नोटिफाइड द कमिश्नर मे ऑल्सो रिक्वायर फ्रॉम द पर्सन वेदर ही इज रजिस्टर्ड और नॉट आर रिटर्न इन प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड सच अ फॉर्म एंड सच अ पर्सन शैल फर्निश द रिटर्न नॉट लेटर देन द डेट इन दिस रिगार्ड अच्छा जी फाइनल रिटर्न वही बात जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी क्या कि अगर कोई बंदा है वो अपना काम जो है ना वो बंद कर रहा है सही है अपना जो है काम शाम बंद कर रहा है या बिजनेस उसने ख़त्म कर दिया जैसे भी है वो एक अपने आप को डी रजिस्टर या उसकी जो सारी की सारी सप्लाईज थी वो एग्जेम्प्ट हो गई हैं ठीक है कोई नया रूल आया कि जो भी वो काम कर रहा था सारी सप्लाई उसकी एग्जेम्प्ट हो गई तो अपने आप को डी रजिस्टर करवा लेगा जब डी रजिस्टर करवाना है तो एक फाइनल रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी फॉर एग्ज़ाम्पल वो अपना एक काम कर रहा था उसकी अचानक से जो सारी एक नया रूल आया तो रूल आया 15 जून को आ गया रूल तो रूल 15 जून को ये आया कि आपकी सारी की सारी सप्लाईज एग्जाम्प्ट है तो आपने क्या करना है एक फाइनल रिटर्न सबमिट करनी है उसमें क्या करना है पहली से 15 तक सारी की सारी डिटेल करके आप एक रिटर्न जमा करवा दोगे बाकी आगे फिर आपका चलता जाएगा जी ख़त्म हो जाएगी आपकी लाइबिलिटी वगैरह रिटर्न डीम टू हैव बीन मेड अ रिटर्न प्रपोर्टिंग टू बी मेड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन बाय हिज ड्यूली अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटेड एंड शैल बी और फॉर ऑल द पर्पस चल ये पढ़ लीजिएगा आगे थोड़ा सा चलते हैं जी रिकॉर्ड्स की बात हो रही है यहाँ पे कि आपने कौन कौन सा रिकॉर्ड रखना है कितनी देर के लिए रखना है तो ये पढ़ लीजिएगा रिकॉर्ड्स में क्या चीज़ें आ रही हैं रजिस्टर पर्सन शैल मेंटेन द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स परचेज लोकली और इम्पोर्टेड कौन कौन सा जी इंक्लूडिंग जीरो रेटेड एंड एग्जाम सप्लाईज का रिकॉर्ड फॉर ऑफ सप्लाईज इंडिकेटिंग डिस्क्रिप्शन क्वान्टिटी वैल्यू नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन टू होम द सप्लाईज वर मेड the amount, फिर records of the goods purchased, same चीज़ें वही हैं फिर records of the goods imported, वही same चीज़ें आ गई हैं एक आध different होगी इसके अंदर records of zero dated and exempt, double entry sales, tax return, फिर the following further records is desired, ये वाले कौन कौन से जी tax invoice, credit note, debit note, bank statement, bank instrument, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने संभाल के रखनी है भाई दी बोर्ड में वो बोर्ड कभी भी रिक्वायर कर सकता है तो आपको चुप करके ये सारे का सारा डाटा प्रोवाइड करना पड़ेगा और ये आपने कब तक रखना है 6 साल के लिए रखना है ये कहाँ पे लिखा है आगे चलते हैं आ जाएगा टैक्स इनवॉइस इनवॉइस कैसी होती है भाई इनवॉइस के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन शैल मेकिंग द टैक्सेबल सप्लाई शैल मेक सीरियली नंबर होनी चाहिए इनवॉइस ठीक है एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स कंटेनिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कौन कौन सा नेम एड्रेस रजिस्टर सप्लायर का रेसिपियंट्स का ये सारी चीज़ें ठीक है डेट ऑफ इशुएंस क्वांटिटी कितनी थी डिस्क्रिप्शन क्या है उसकी वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स नंबर ऑफ वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ टैक्स ठीक हो गया ये पढ़ लीजिएगा रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड ये जी हाँ ये लिखा हुआ 6 ईयर्स तक आपने रिकॉर्ड को रखना है अच्छा इसको पढ़ लेते हैं थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ होगी इसके अंदर अ पर्सन शैल रिटेन द रिकॉर्ड्स एंड द डॉक्यूमेंट्स फॉर द पीरियड ऑफ सिक्स ईयर आफ्टर द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड टू विच सच आर रिकॉर्ड्स और द डॉक्यूमेंट्स रिलेट्स और टिल द फाइनल डिसीजंस ठीक हो गया टिल द फाइनल डिसीजन इन द प्रोसीडिंग इंक्लूडिंग द प्रोसीडिंग ऑफ असेसमेंट अपील्स और आपने कहा है कि 6 सालों तक आपने रिकॉर्ड रखना था फॉर एग्जाम्पल आपका ईयर आ रहा था सन 2000 या 2010 कर लेते हैं 2010 उसका केस स्टार्ट हुआ है 2015 के मिड में जाके नहीं 2016 के मिड में जाके आपने कब तक रिकॉर्ड रखना था 16 के एंड तक दिसंबर तक मिड में जाके स्टार्ट हुआ और 3 साल केस चलता रहा आपके 6 माह गुजरने आपने रिप्लाई कर दिया कि भाई 6 साल कंप्लीट हो गए तो मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है जाओ भाग जाओ तो लॉ कहता है भाई ना मेरे काके ऐसा सयाना ना बन जब तक वो प्रोसीडिंग चल रही है चाहे वो 10 साल प्रोसीडिंग चल रही है आगे तो 16 साल टोटल बन रहे तो आपने 16 साल ही पूरे का पूरा रिकॉर्ड रखना है
रिकॉर्ड आपने जब तक प्रोसीडिंग्स बंद नहीं हो जाती, कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक आपके पास होना चाहिए। ये प्ली नहीं चलेगा कि मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, 6 साल पूरे हो गए, सही है ना। आगे मिसलिनियस है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपको जो मतलब जितना भी आपका रिकॉर्ड है वो अगर कोई मांगे तो आपने इसको देना होता है, नहीं देंगे तो उसमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे दोबारा पेनल्टी की बात कर रहे हैं कि आपने डिफ़ॉल्ट सरचार्ज पे कर देना है। अगर नोटिस आपको नहीं आया तो सिर्फ डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, अगर नोटिस आ गया है तो 25% ऑफ पेनल्टी, अगर शो कार्ज नोटिस आ गया है तो ये सारी चीज़ें देखनी है। ड्राइंग की सैंपल, आप सैंपल भी ड्रॉ कर सकते हैं, कौन जी कमिश्नर वगैरह या रेवेन्यू अथॉरिटी एंड अथोराइज ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू If considered necessary, may take a sample of the goods or the raw material for the purpose of determining the liability of sales tax. सही है। और for the purpose of, अगर यार ये इस तरह होता है कि कोई इम्पोर्ट शम्पोर्ट होती है ना आपकी कोई चीज़ें, आपने देखा है उसकी वैल्यू, किसी को उसने कम वैल्यू के ऊपर सेल किया हुआ है, तो आप क्या करते हो जी, रेवेन्यू अथॉरिटी क्या करती है जी, एक सैंपल उसमें से ले लेती है, सैंपल को जांचने के लिए, देखने के लिए कि क्या यार इसकी इतनी वैल्यू है भी, इतनी गंदी कंडीशन में है या इतनी कम वैल्यू है इसकी, तो इस सैंपल उसमें से उठा लेते हैं। और सैंपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि कम से कम इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए जो कि सफिशेंट हो टू इनेबल द प्रॉपर एग्जामिनेशन ऑफ एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद ट्रांजेक्शन बिटवीन एसोसिएट, ये आपने पढ़ लेना है। द कमिश्नर और द ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू मे इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन बिटवीन द पर्सन्स हु आर एसोसिएट्स डिटरमिन द ट्रांसफर प्राइस ऑफ द बिटवीन द पर्सन एज इट नेसेसरी टू रिफ्लेक्ट द फेयर मार्केट वैल्यू एंड इन आर्म्स लेंथ। ये आपको याद है पहला जो लेक्चर था हमारा सेल्स टैक्स का, पहला था या शायद दूसरा था, उसमें मैंने बताया था कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी अगर एसोसिएट के दरमियान आप कर रहे हो, क्या उसे बोलते हैं, सेल हो रही है, एसोसिएट को आप सेल कर रहे होते हैं, तो वो फेयर मार्केट वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये वही चीज़ लिखी हुई है दोबारा। इसके बाद आगे आ गया चैप्टर रिव्यू, ये हमने पढ़ लिया हुआ, ठीक है यार। ये एक छोटा सा हमारा चैप्टर था, ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कोई इतनी कोई टेक्निकल चीज़ है। तो सेल्स टैक्स हमारा तकरीबन एंड हो गया, इसके बाद हम वापस चलते हैं इनकम टैक्स के ऊपर, और इनकम टैक्स में AOP का जो है ना वो करते हैं। एक्चुअली मसला ये आ रहा है कि ये देखें जी 89 पे फंसा हुआ है, अपलोड ही नहीं हो रहा सेल्स टैक्स का लेक्चर। ये मैंने कल ईद वाले दिन रिकॉर्ड किया हुआ है, तो मैं कल से इसको लगा के बैठा हूँ। PTCL का नेट माशाल्लाह, फिर आपको पता ही है कितना बेस्ट होता है। तो अब ये मसले मसाइल हैं, ठीक है, तो इंशाल्लाह ये फिर चले, इंशाल्लाह अगला लेक्चर जो होगा हमारा वो होगा AOP के ऊपर, AOP सारा कर लेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता पाँच छः लेक्चर्स और लगेंगे और हमारा जो सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 20 तक इंशाल्लाह, इससे पहले ही मैं कोशिश करूँगा एक आध दिन पहले ही ख़त्म कर दूँ। मेरा ऑडिट भी उधर से फंसा हुआ है, वो भी रहता है, वो भी करना है, सही है। चले इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। तो बाकी जी दुआ कीजिएगा हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए, नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ के दुआ करें, अपने लिए भी हमारे लिए भी मेहनत करें, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़।